देश की बढ़ती जनसंख्या को अभी तक धर्म से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की वजह शैक्षिक स्तर और आर्थिक सामाजिक विकास है। ये बात हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े और शोध के प्रमाण बयां करते हैं। देखते हैं रिपोर्ट। अभी तक देश की बढ़ती जनसंख्या का श्रेय धार्मिक मान्यताओं को जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़े और शोध से खुलासा हुआ है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च महिला साक्षरता दर वाले संपन्न परिवारों में प्रजनन दर कम होती है। साल 2014 में भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त कार्यालय ने देश की आबादी के लिए प्रजनन दर जारी किया तो धर्म आधारित बढ़ती जनसंख्या के अंतर ने चर्चा को भटका दिया। कई समाचार पत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि मुस्लिम समाज में प्रजनन दर गैर मुस्लिम समाज से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इन आंकड़ों ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि बढ़ती जनसंख्या और कुल प्रजनन दर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे प्रजनन दर प्रत्येक व्यक्ति आय, स्वास्थ्य सुरक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाओं से जुड़ी होती है। राज्यों की बढ़ती जनसंख्या को अगर शैक्षिक स्तर के तौर पर आंके तो साल 2011 में केरल की साक्षरता दर 93.9% रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की 69.7%। इसी साल 99.7% केरल की माओं को उत्तर प्रदेश के 48.4% की तुलना में प्रसव के दौरान सुलभ चिकित्सा मिली। केरल में 21 साल से ऊपर शादी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 74.9 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 47.6% है। अमीर परिवारों के मुकाबले गरीब परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत के गरीब राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। साल 2001 से 2011 के बीच गरीब राज्यों की जनसंख्या 21% बढ़ी और बाकी भारत की 15% रही। जनसंख्या दर पर जारी सरकारी आंकड़ों ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है कि बदलते वक्त के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या के पीछे धर्म की बजाय शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास मुख्य वजह बनता जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।